हाँ जी बेटा, हम स्टार्ट करन जा रहे हैं अपा नेक्स्ट 8th सम एक्सरसाइज 4.3 का। स्टेटमेंट अच्छे तरीके नाल पहले समझ लेनी है बेटा। स्टेटमेंट है अ ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, कि एक ट्रेन जिहड़ी है 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कि स्पीड अपनी वो चेंज नहीं कर रही, ना बढ़ा रही है ना घटा रही है, सेम स्पीड दे नाल वो तय कर रही है डिस्टेंस। कहिंदा इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आर मोर, अगर कहिंदा स्पीड जिहड़ी वधा दित्ती जावे 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब दे नाल, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो पहला नालों की है उन्हों 1 घंटा घट लगेगा। ओबियसली अगर स्पीड वधावेंगे तो टाइम घट लगेगा फॉर द सेम जर्नी, डिस्टेंस उही है, डिस्टेंस नहीं चेंज किया गया। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, आपने की फाइंड करनी है, स्पीड फाइंड करनी है ट्रेन की। सो सब तो पहला स्पीड मान लें, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन दैट इज एक्स किलोमीटर पर आर, राइट ना। सो डिस्टेंस भी आपां नूं गिवन है, डिस्टेंस किन्ना आ 360 किलोमीटर, राइट ना। सो टाइम का फॉर्मूला तुसीं सब ने पढ़िया ही होना, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। सो डिस्टेंस किन्ना अपने कोल 360, स्पीड किन्नी अपनी एक्स, राइट ना। सो टाइम नूं आपां की करते हैं टी मान लें, टी की वैल्यू किहदे इक्वल है 360 अपॉन एक्स, राइट बेटा। हुण उहदी सैकेंड इक्वेशन की है, सैकेंड सिचुएशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चनस की कह रहे हैं कि अगर स्पीड आपां वधा दिए किन्नी 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब नाल, है ना। हुण डिस्टेंस तो उन्ना ही है, स्पीड नूं की करो कहिंदा वधा दो किन्ना 5 किलोमीटर दे पसा दो, है ना। तो जिहड़ा टाइम आ वह की आ 1 घंटा घट लगेगा, यानी टाइम चो 1 की कर देंगे माइनस, है ना। सो टी की वैल्यू की आ अपने कोल, इहनू नंबर 1 दे दिंदे आ, फ्रॉम 1 टी की वैल्यू पुट कर दिंदे आ 360 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल की आ 360 अपॉन एक्स प्लस 5। सो वैल्यू आपने एक्स की निकालनी है बिकॉज स्पीड की वैल्यू निकालनी है अपने, सो की करते हैं 360 अपॉन एक्स एज इट, 360 इधर आके कदा हो गया माइनस का, तो 1 माइनस का इधर जाके कदा हो जूगा प्लस का। इनू सॉल्व करने लिए आप लवेंगे एलसीएम लें, एलसीएम लवेंगे आ जूगा एक्स इंटू एक्स प्लस 5, ये आ गया 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 360 इंटू की आ गया एक्स इक्वल की आया साढ़े को 1। 360 दोनों कॉमन आ रहा, 360 कॉमन निकाल दें, अंदर की बचिया एक्स प्लस 5 माइनस एक्स अपॉन की चल रहा एक्स स्केयर प्लस 5x इक्वल की है साढ़े को 1। एक्स नाल एक्स की हो गया कैंसल, यानी कि बचिया 360 मल्टीप्लाई 5 अपॉन एक्स स्केयर प्लस 5x। सॉल्व करने लिए की कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उस तो पहले इन मल्टीप्लाई कर दें, 6 5 है 33, 15 प्लस 3 18, राइट बेटा। सो इनू प्रॉपर असी इक्वेशन की फॉर्म च लै लें, माइनस का हो जूगा 1800, 5 का है प्लस का, राइट। हुण इत्थे दो तरीके ने, या तो आप फैक्टर बना सकते हैं तो या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। 1800 है, फैक्टर थोड़े जे लंबे हो जाने, आप करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगा लें, राइट ना। सो ये इक्वेशन है साढ़े को एक्स स्केयर प्लस 5x माइनस 1800। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप कर चुके हैं, सब तो पहला उस डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, यानी कि बी स्केयर माइनस 4ac, बी स्केयर यानी 5 स्केयर 4a, की है साढ़े को 1, तो सी की है साढ़े को माइनस 1800। 5 का स्केयर 25 माइनस माइनस प्लस 8 4 32 3 और 4 1 4, 4 + 3 की आ गया 7, तो प्लस करांगे 7 2 2 5, ठीक है बेटा। क्योंकि ये असी रूट निकाल लेना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी अपन, ओके। दैन एक्स की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, हुण बी की वैल्यू माइनस 5 रूट 7 2 5 अपॉन 2a, रूट अंडर रूट सबनों निकालना आंदा है, अगर नहीं निकालना आता चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड यूज कर सकते हैं अपना, चाहे लोंग डिवीजन। देखो लोंग डिवीजन मैथड के नाल इस तरह आप निकाल सकते हैं, आप की करते हैं पेयरिंग करते हैं, हमेशा पिछों पेयरिंग करांगे, डबल पेयर हो गया साढ़े कोल 72 तो छोटा किन्ने का पेयर आ रहा, 72 तो छोटा स्केयर, 72 तो छोटा 8 8 64, राइट बेटा। सो माइनस करांगे 12 माइनस 4 8 आ गया, दैन 25, दैन 8 का डबल की उतारांगे इत्थे 16, लास्ट डिजिट 5 है, सो 5 ते ट्राई करते हैं,
फाइव फाइव जो 25, 2, 6, 5 या 30 प्लस 2, 32, 3, 5 प्लस 3 की आ गया 8, यानी कि 585 की आ गया साडा स्केयर रूट अपॉन 2a, a की है 1. सो दो वैल्यूज आंदियां हमेशा ही याद रखना बेटा. इधर सॉल्व करते हैं 80/2, इधर सॉल्व करते हैं -90/2. बेटा जी कदे भी स्पीड नैगेटिव नहीं हो सकती, सो इनू रिजेक्ट करेंगे तो ए की आ गई 40, एक्स की वैल्यू की आ गई 40 किलोमीटर पर आर, यानी कि स्पीड ट्रेन की है 40 किलोमीटर प्रति घंटा. ओके बेटा.